इस ग्रुप पे जो ज्यादातर तकरीबन सब लोग जो शामिल हैं उनका बाएं बाजू की सियासत से कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हिस्सा है। और ये प्लेटफॉर्म कुछ साल पहले दोस्तों ने जब मिलके बनाया तो उसका मकसद ये था, ये जो तख्लीकी इजहार है और जो सियासत है उसको जुड़ने की ज़रूरत है, वो जब जुड़ेगा तो लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंच हो सकती है। और आज का एक एक्ट है जो कि जालिब साहब के हवाले से बनाया है हमने, और ये माइक जैसी स्टार्ट हो जाते हैं हम वैसे ही शुरू करेंगे। कुछ तजर्बा किया है, कुछ बनाया है और उसके साथ मज़ा किया है। और आप लोगों को आवाज़ आ रही है? और मुझे भी आप लोगों की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरे पास माइक चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें आवाज़ अच्छी है। शुक्रिया बहुत बहुत। और यहाँ पे जो साथी मौजूद हैं इसमें हम ज्यादातर लोग बाहर से आए हैं और कुछ सांब आते हैं और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। ओ बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और आप सब लोगों को भी खुश आमदेद। अदब की बात के साथ आर्ट बहुत ज्यादा जुड़ा। आई एम जस्ट वेटिंग। ओके, माइक हमारे सब माइक आ गए, सब माइक रेडी है, गुड। ठीक है, जब यादें टूट जाती बिखर जाती हैं, लफ्ज भी खत्म हो जाते हैं, एहसास भी मर जाते हैं। इंसानों की बस्तियों में जहां इंसानों को रोज जिंदा लाश बना दिया जाता है, इन अंधे गूंगे बहरे लोगों की बस्ती में कोई है? कोई है? कोई तो होता है जो सांस लेता है, जो जीता है। इस 22 करोड़ लोगों की बस कुछ कहता है, कोई सवाल उठाता है, झंझोड़ता है। हमारे खाने लगे, टूटने लगे, तो अपने हम ख्यालों को हमने ढूंढना शुरू किया। किस तरह से हम आजादी, तो ये नज़्म मैंने दस्तूर लिखी थी। सप्त वेखना चाहता है, वो जोगी मुंडे नाल गल कर रहा है। मैं नहीं मानता दस्तूर, मैं नहीं जानती। मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। दी
दे लेकर चले वो जो साए में हर मसले हक के पले ऐसे दस्तूर को तुम्हें बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता मैं भी खाइफ नहीं तख्तायदार से मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से क्यों डराते हो जुल्म की बात को चहल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता कोई माने मगर मैं नहीं मानता